subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। कोरोना वायरस का कहर हिंदुस्तान में भी कम नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए डिवॉइस एसएसबी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भूपेश गुप्ता के माध्यम से नवी मुंबई सिडको एग्जीबिशन में मजबूर गरीब मजदूरों को निस्वार्थ भोजन देकर सामाजिक सेवा कर रहे हैं। और आवाज़ टुडे से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोंकण विभाग के आयुक्त के मंजूरी के बाद जब तक इंसुलेशन क्वारंटाइन चल रहा है तब तक कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसा आश्वासन दिया है। ये खाना हम लोग सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग हमारी कंपनी की तरफ से बांट रहे हैं। डिवाइस एसएससी ब्रॉडबैंड हमारी कंपनी है, आयन हमारा ब्रांड है। ये डिविजनल कमिश्नर साहब, कोंकण कमिश्नर साहब ने हमको इनिशिएटिव लेने के लिए बोला, रिक्वेस्ट किया था। तो हमने बोला कि ठीक है, जितने भी लोग यहाँ आएंगे, जब तक आपका चलेगा ये आइसोलेशन क्वारंटाइन चलेगा, तब तक हम हमारी जिम्मेदारी पे सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का हाई टी और रात का डिनर हम अपने जिम्मे पे लिए हैं। हमने एक फैक्ट्री खुलवाई है ब्रिजवासी की, वहाँ से हमने सब खाना अरेंज किया है, एकदम शुद्ध खाना है और हम इनकी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी निस्वार्थ सेवा को देख कर कहीं न कहीं लोगों में भी सेवा भाव जाग रही है। वीडियो सही पवार साथ पंकज बीरवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।